ऑफिसर्स की सक्सेस स्टोरीज पढ़ी या देखी होंगी जो अपने पहले ही प्रयास में बीपीएससी परीक्षा में सफल हो पाने में सक्षम रहे थे। दरअसल मेहनत को भी सही तरीके से चैनलाइज करने की जरूरत होती है। अगर आप अपनी मेहनत को एकदम सही डायरेक्शन में लगाएंगे तो आपको बीपीएससी परीक्षा में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार एग्जाम के हमारे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ आपको मिलेंगी बिहार से जुड़ी परीक्षाओं के बारे में सभी जानकारियाँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की यह वीडियो। बीपीएससी परीक्षा को सेल्फ स्टडी के जरिए भी पास किया जा सकता है। ऐसे कई उम्मीदवार हैं जो विभिन्न कारणों से बीपीएससी कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं और ऐसे में खुद से ही परीक्षा की दुरुस्त तैयारी करते हैं। अगर आपने भी एक ऑफिसर बनकर जनसेवा करने के बारे में ठान लिया है तो अपनी खास रणनीति बना ले। बीपीएससी परीक्षा में सफलता के लिए सबसे पहले अपने सिलेबस की एक चेकलिस्ट तैयार करें। जो भी टॉपिक्स पूरे कर ले उसे लिस्ट पर मार्क करते जाएं। सिलेबस को अपनी चेकलिस्ट के अनुसार पूरा करते रहें। ध्यान रहे कोई भी विषय आपसे छूट ना जाए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी पृष्ठभूमि क्या है, आपको बीपीएससी पाठ्यक्रम के मुख्य विषयों की मूल बातें समझने की जरूरत है। इसलिए बेसिक्स बुक्स की मदद ले। उनके नोट्स बनाने से पहले उन्हें कम से कम दो बार जरूर पढ़े। बीपीएससी की तैयारी के लिए बहुत अधिक किताबें जुटाने की जरूरत नहीं है, खास किताबें ही पढ़े। अधिकतर चीजें इंटरनेट से भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा लिखने का अभ्यास खूब करें। प्रारंभिक परीक्षा से पहले मुख्य परीक्षा का सिलेबस पूरा कर ले। इसके बाद 2 से 3 महीने पहले प्रारंभिक परीक्षा पर फोकस करना शुरू कर दे। इस दौरान लगातार कई सारे टेस्ट दे। कई टॉपर्स अभ्यर्थियों को मॉक टेस्ट देने की भी सलाह देते हैं ताकि आपको अपनी तैयारी के स्तर का पता चल सके। वह कहते हैं कि इंटरव्यू से पहले भी मॉक टेस्ट जरूर दे। दिन में सभी विषयों के लिए समय का निर्धारण कर ले और उस हिसाब से टॉपिक्स को कवर करते चले। हर रोज सुबह 1 घंटा अखबार जरूर पढ़े। सिविल सर्विस के लिए करंट अफेयर्स की जानकारी बहुत जरूरी है। हर रोज किताबों के साथ ही साथ न्यूज पर भी ध्यान दे। कोशिश करे कि एक दिन की भी पढ़ाई मिस ना हो। रोजाना सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करते रहे। परीक्षा के लिए पढ़ाई के साथ साथ रिविजन बेहद जरूरी है। कोशिश करे कि हर रोज जिन टॉपिक्स को पूरा किया है दूसरे दिन उसका रिविजन जरूर कर ले। इस दौरान नोट्स बनाते चले। अपने लिए एक ऐसा टाइम टेबल बनाएं जिससे आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पर ध्यान दे सके, जिससे आपका दूसरे कामों में समय बर्बाद ना होकर सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ाई कर सके। और चाहे जो भी हो जाए, जो टाइम टेबल में पढ़ाई की समय आपने तय किया है उस समय पर कुछ भी हो जाए आपको पढ़ाई ही करनी है। इसके अलावा उस समय कोई भी दूसरे कामों में अपना मन ना भटकाएं। हमारी जिंदगी में लक्ष्य बहुत इम्पोर्टेंट है। आप भी अपना लक्ष्य बीपीएससी को क्रैक यानी पास करना बना लीजिए। जब भी आप पढ़ाई करें तो यह मत सोचे कि आपको 4 या 5 घंटे पढ़ना है, बल्कि यह फोकस करें कि हमें आज यह सिलेबस कंप्लीट करके ही उठना है। आप अपने लक्ष्य को अपना सपना बना लीजिए, तभी आप इस तरह के परीक्षा को पास कर पाएंगे। क्योंकि जो आपके साथ एग्जाम में बैठने वाले आपके कॉम्पिटिटर है, वे लोग इसी तरह से तैयारी कर रहे हैं और आपके कॉम्पिटिटर ज्यादा और एग्जाम में सिलेक्शन सीट कम होंगे। बीपीएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को अपनी रणनीति खुद तैयार करनी चाहिए। इससे आप अपनी क्षमता के अनुरूप तैयारी कर पाएंगे। ज्यादातर लोग आपको डिमोटिवेट करने वाले मिलते हैं। ऐसे में जरूरी है कि खुद को सकारात्मक रखते हुए लगातार तैयारी जारी रखी जाए। असफलता मिलने पर घबराने और निराश होने की बजाय अपनी रणनीति की समीक्षा करें और फिर जरूरत के अनुसार उसमें बदलाव भी करने को तैयार रहें। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। देखते रहिए बिहार एग्जाम। नमस्कार।